शाहरुख खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म पठान इसी महीने 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर उनके साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। वहीं जॉन अब्राहम भी फिल्म में अहम भूमिका में दिखाई देंगे। शाहरुख खान को आखिरी बार 4 साल पहले रिलीज हुई फिल्म जीरो में अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। ऐसे में पठान शाहरुख के करियर के लिहाज से एक बड़ी फिल्म होगी, जिससे उन्हें काफी उम्मीदें भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पठान पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि साउथ से एक बवंडर उठने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि शाहरुख खान का पूरा पासा पलट जाए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पठान से 5 दिन पहले सिनेमाघरों में साउथ एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंडा हिंदी भाषा में 20 जनवरी को ही रिलीज होने वाली। पठान से 5 दिन पहले रिलीज होने वाली अखंडा कहीं बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल ही ना बदल दे, क्योंकि अगर अखंडा हिट हो जाती है तो वो पठान से पहले ही दर्शकों को अपनी ओर खींच सकती है। ऐसे में ये फिल्म शाहरुख खान के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन बनकर खड़ी हो सकती है। हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म अखंडा का हिंदी ट्रेलर लोगों के बीच काफी मशहूर हो चुका है। फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण शिव भक्त बने हैं और उनका अवतार काफी अपीलिंग है। ऐसे में ये फिल्म कहीं पठान के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि साल 2022 में रिलीज हुई साउथ की फिल्म KGF 2, RRR और पुष्पा की तरह फिल्म एक्शन तो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पठान का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कुछ लोगों को पसंद आया तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल साउथ फिल्मों का जलवा देखने को मिला था। इतना ही नहीं, बॉलीवुड पर साउथ की फिल्में भी हावी रही थी। इस साल भी साउथ की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वहीं शाहरुख खान की पठान को साउथ की फिल्म अखंडा बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा सकती है। वैसे भी पठान का देश भर में विरोध हो रहा है, लोग जमकर इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में अब साउथ इंडस्ट्री से मौके का फायदा उठाते हुए पठान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है। बात करें अखंडा की तो ये फिल्म तेलुगु भाषा में दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अखंडा का हिंदी वर्जन बॉक्स ऑफिस पर पठान का बुरा हाल करता है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।